हाँ जी राम राम जी, मैं आपका अपना गुलजार छाने वाला। तो आइए ले चलते हैं आपको बिहाइंड द स्टोरी ऑफ जुग जुग जीवे, वो गाना जिसने सबके दिलों पर राज किया मगर हमें सबसे ज्यादा डर था इस गाने से। क्यों था आइए आपको बताते हैं। मैंने इससे पहले जो जितने भी गाने बनाए थे सभी माफिया थे, कोई गड़िया बीट पर था, कोई ट्रैप बीट पर था, मगर ढोलकी और ढोलक जैसे इंस्ट्रूमेंट को लेकर कुछ पहली बार मैं कुछ बना रहा था तो मुझे थोड़ा डर भी था मन में कि इस तरह का म्यूजिक लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा जितने भी मेरे चाहने वाले हैं। राम राम जी, मैं शिवा जंगड़ा, और गुलजार भाई ने जब मुझे पहली बार ये सॉन्ग सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि लोगों को ये सॉन्ग पसंद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि एक नई चीज़ थी। उसके बाद हमने वीडियो के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया तो गुलजार भाई ने अब तक कोई डांस नंबर सॉन्ग नहीं किया था, तो मैंने गुलजार भाई को बोला क्यों ना इस बार डांस पार्टी सॉन्ग किया जाए। डांस, शिव भाई ने मुझे पहली बार फोन पर कहा कि आपको डांस करना इस गाने में, तो थोड़ा मैं डर गया, मैं नर्वस हो गया कि कैसे करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने सारे माफिया गाने किए थे, उसके अंदर गोली चलाना ये सब था, डांस नहीं था। बट पहली बार मैं डांस कर रहा था, थोड़ा नर्वस था। रिहर्सल टाइम सभी ने कहा कि आप काफी अच्छा कर रहे हैं, जब मैंने पहली बार किया तो उसे पॉजिटिविटी आ गई, नर्वस नहीं हो रहा था बिल्कुल भी मैं, और जैसा कि आपके सामने है। जुग जुग जीवे की जो इंस्पिरेशन है, जो सारा क्रेडिट मैं कहता हूँ, वो हम मेरी दादी जी को जाता है। जब हमारे यहाँ घरों में जब हमारे दादी जी के आशीर्वाद कोई लेता है तो वो जुग जुग जीवे ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं, तो उस चीज से इंस्पायर होके मैंने पूरा गाना लिखा था। एक नया तरीका सिखाया सभी आशिकों को, ब्रेकअप के बाद ये मत कहो कुछ भी, उसे बुरा बोलने की जगह अपने प्रेमिका या प्रेमी को ये कहें कि जुग जुग जीवे। ऐसा करके हमने ये पॉजिटिव वे में इस चीज को दिखाने की कोशिश की थी। अरे भाई साहब फिर आ गए आप, क्या बात है, क्या आइए आइए, स्वागत है, आइए देखिए यहाँ चल... कितने बजे आएगा? सही है, सही है, सही है, सही है। देखिए पैसा अहमियत नहीं रखता है, मगर जो खुशी के पल बनते हैं जब मस्ती होती है शूट पर, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सारी सारी रात शूट चलता है, तीन तीन दिन तक शूट, चार चार दिनों तक शूट चलता है हमारा, इधर उधर ट्रेवलिंग करते हैं, उस वक्त जो देखिए सभी हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई बड़े घरों से नहीं है, सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखकर जब हम शूट करते हैं तो वही हमारे लिए सब कुछ बन जाता है। चाहे हमारे पास बड़ी गाड़ी ना हो, कुछ ना हो, मगर ये जो खुशियों के पल हम जिंदगी में जोड़ रहे हैं, जो जब हम बैठकर याद करते हैं कि उस शूट पर हमने क्या किया था, उस शूट पर ऐसे किया था, तूने ऐसे किया था, ये चीज़ें सोचकर भी खुशी मिलती है, और इसी खुशी के लिए हम गाने बनाते हैं।